अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक और फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और इसके बाद एक और आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, और ये लास्ट फॉर्मूला वाला होगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस के फॉर्मूले मैंने बताए हैं उनको सॉल्व करने का भी, तो उसका यूज भी तो हमें आना चाहिए कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, तो उन सभी यूजों को हम फटाफट आपको करके बताएंगे। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें दो वीडियो में शायद होगा, तो दो वीडियो में कंप्लीट करते थे, सिंगल वीडियो में हो सकता है तो सिंगल वीडियो में ही कर देंगे, सिंगल वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में आपको ये दोनों फॉर्मूले को बता देंगे, उसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करके बताएंगे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए, साइन फॉर्मूला बोला है ना, तो साइन ही आएगा, वो भी ट्राइंगल के एंगल का। मतलब ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बनाया और कॉन्सेप्ट तो पहले ही नोट, पहले ही वाली इसकी स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ए एंगल है ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। ठीक है, ए के सामने वाला जो साइड दिख रहा है उसको ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी से, सी के सामने वाले को सी स्मॉल सी से साइड को डिनोट करते हैं। अभी एंगल साइन का एंगल ए मुझे चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है 2/BC अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। दूसरे की अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे साइन बी एंगल चाहिए, तो 2/ यहाँ पे ए था तो बी सी लिए थे, तो बी था तो ए सी लेंगे, और ये तो सब में कॉमन है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एक चीज़ और ये भी बता दूँ, तो ये जो होता है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी है। ठीक है, वो उसी से आया भी है, इस चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब तीसरा देख लीजिए, साइन सी का, तो वही चीज़ है, ये आराम से ये 2/C को छोड़ के ए भी आ गया, और ये तो सब में कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसका प्रूफ जो है ना, वो कहाँ से आया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए, इसका प्रूफ प्रूफ की बात कर रहा हूँ, आपको ये पता था ना, देखिए साइन ए जो है उसका क्या होता था, 2 sin A/2 एंड cos A/2। ठीक है, जैसे अगर साइन 2A होता था तो क्या लिखते थे, साइन 2A को हम लिखते थे 2 sin A cos A, ये लिखते थे, तो उसी से ये फॉर्मूला हाफ वाला आया है। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 sin A/2 का, इसकी प्रीवियस वीडियो देखिए, इसकी प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि sin A/2 हाफ एंगल साइन रूल, हाफ एंगल को साइन फार्मूला, हाफ एंगल साइन फार्मूला, हाफ एंगल को साइन फार्मूला। तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी, मैं लिख रहा हूँ, एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे बी सी, ये रूट में ही है, और इसका फॉर्मूला आया था एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बी सी और बी सी मल्टीप्लीकेशन होगा तो बाहर आ जाएगा। अब रूट में क्या बच गया, एस एस माइनस ए, सॉरी ये बच गया, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ही लिखेंगे, ये एस माइनस बी है और ये एस माइनस सी है, कितना आराम से निकल गया। देखिए यही तो है ना, यही तो चीज़ें मैं लिखे थे, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब फॉर्मूला फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी आसानी से। और वो क्या है, वही चीज़ें थोड़ा मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रिलेटेड ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ लेते हैं। जैसे मैं पहले टाइप का एरिया बताऊं, कि अगर मान लो कि कोई ट्राइंगल है, उसका एरिया, ट्राइंगल ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ए बी सी, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया के लिए मैंने बताया था ये सिंबल है,
तो इसका एरिया के लिए एक ये फॉर्मूला है, हाफ ए बी साइन सी। और ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, देखिए ये वाला से आया है। देखिए ये मैंने बताया था कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तो इन सबको इधर कर दो, ये इधर मल्टीप्लीकेशन, इधर डिवाइड, तो हाफ ए बी इंटू साइन सी। अब इसी के बेस पे ये भी बन सकता था, हाफ हाफ ए सी इंटू साइन बी, हाफ बी सी इंटू साइन ए, ये भी बन सकता है। तो इसके बेस पे ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए इसी के बेस पे ये भी लिख सकते हैं कि हाफ बी सी इंटू साइन ए, इसी की जगह पे हाफ ए सी इंटू साइन बी लिख सकते हैं। कोई भी तीनों एंगल दिया है और दो साइड दिया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एरिया है, ये तीन एरिया आपको पता चल गया, पहले तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा देखेंगे तो एक ये फॉर्मूला होता है कि अगर तीनों साइड दिया है ए बी सी और उसके डिवाइड बाई फोर आर कर लीजिए। अब ये आर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता कर रखा है कि इसके आउटर में अगर सर्कल बन रहा है, इस तरीके से सर्कल बन रहा है, तो सेंटर से और ये जो डिस्टेंस होता है ये कैपिटल आर होता है सर्कम्फ्रेंस तक, तो ये आर कैपिटल आर, तो ये फोर आर होता है। तीनों साइड का एडिशन डिवाइड बाई फोर इंटू आर कर देंगे तो ये मिल जाता है एरिया। तीसरा देखेंगे ध्यान से, तीसरे टाइप का फॉर्मूला, एक तो यही मैंने ऑलरेडी जो बता के रखा है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को हेरॉन्स फॉर्मूला भी बोला जाता है, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। इस फॉर्मूले को हेरॉन्स फॉर्मूला भी बोला जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, अगर तीनों साइड दिए हों तो ये मिल सकता है। चौथा अगर ध्यान देंगे तो ये होता है आर इंटू एस। अभी ये आर क्या हो, एस क्या है, एस तो पता है कि तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दोगे तो एस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बता भी देता हूँ एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। और ये आर क्या होता है, तो आर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर ये ट्राइंगल है और इसको ऐसे टच करते हुए ऐसे आ रही है, देखिए ए बी सी, यहाँ ए ये बी ये सी, आर ये होता है, तो ये आर और ये तीनों का एडिशन डिवाइड बाई टू अगर करते हैं तब ये आपका एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है। इस तरीके के कितने फॉर्मूले आपके सामने हो गए एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, देखोगे अगर कि ए बी, देखो ए और बी है और उसके बीच का एंगल साइन लेते हैं, हाफ दिस इंटू साइन सी। अगर ये दोनों साइड दिया है तो एंगल ये होना चाहिए तब एरिया मिलेगा, ये दोनों साइड दिया है तो एंगल ये चाहिए तब इसका एरिया निकल सकता है। इस ट्राइंगल कहाँ, इस सर्कल का मत समझ लेना, इसका एरिया की बात हो रही है, समझ में। और इसमें भी ये इसका ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ना कि आप ये वाला पार्ट समझ लेना, कुछ और पार्ट मत समझ लेना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो मुझे बताने थे, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपका दूर हो सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से किसी का भी एरिया ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इतने कॉन्सेप्ट मैंने बताए। अब ये अगर याद है, देखो और भी हैं ट्राइंगल के, मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि क्या होगा ना कि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाद में गलती हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, इस तरीके का ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ 90 डिग्री है। अगर एंगल बी 90 डिग्री होता है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो ए होगा, ये सी होगा, ये बी होगा, तो हाफ ए सी हो जाएगा, ए इंटू सी हाफ ए सी हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए बी सी तो दिया था लेकिन तीनों का साइड ए ही है, तीनों का साइड बराबर हो तो उसको इक्विलेटरल बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट थ्री अपन फोर ए स्क्वायर हो जाता है, ये भी फॉर्मूला है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपके बुक में ये नहीं दिया है फॉर्मूला, ये शायद फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा ना मेंसुरेशन में, जब मेंसुरेशन लास्ट वाला चैप्टर कराऊंगा ना तो उसमें ये फॉर्मूले का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर तो इतने ही थे, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया।
तो अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो है कुछ इससे रिलेटेड, इतने सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि प्रूफ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं इसमें से। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना प्रूफ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बताऊँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर मैं आपको समझाऊँगा कि ताकि आपको समझ में आ सके कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊँगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें भी देखने को आपको मिलेगा, तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से उसका भविष्य बन सकता है। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कि जिनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, लेकिन आप देख रहे हैं तो आपको आइडिया मिल रहा है कि इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोज आपको स्टार्टिंग टू एंड तक मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट अपने जो फ्रेंड हैं उनको बताइए कि ये अब वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और एक छोटी सी देखो आप क्या कर रहे हो, किसी को नहीं पता चल रहा है तो उसको आप हेल्प कर रहे हो, तो अगर आप किसी का भी हेल्प करते हो तो आपका भी भगवान हेल्प करते हैं। और मैं सब कुछ फ्री में आप लोग के लिए ही प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आप सभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज़ें सीख के आप बेस्ट बन सकें। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।